सब कुछ डिजिटल हो गया है। डिजिटल हम बहुत तेजी से एक स्वाइप में अपने पैसे किसी SIP में लगा देते हैं, अपनी अगर पेमेंट करनी होती है तो वहां पेमेंट कर देते हैं। एक ऐसे कस्टमर है जिनका ये कहना है कि उनका पैसा वहां पे फंस गया है, हालांकि ग्रो की तरफ से क्लैरिफिकेशन आ गया है कि वो उसको क्लियर जरूर कर देंगे। लेकिन ये क्यों हो रहा है और निवेशकों को, निवेशक इससे बच कैसे सकते हैं एक्चुअली? सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि डिजिटाइजेशन इस तरीके से आज बढ़ गई है और आज इन एप्स के माध्यम से ही आज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा पैसा आया है। देखिए, जब आप रोड पे चलते हैं तो गलतियां भी होती हैं, कभी कभार आपका एक्सीडेंट भी हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप रोड पे चलना बंद कर दें। सबसे पहले मैं आपको यही सजेशन देना चाहूंगा कि एक डिजिटाइजेशन का जो एक माध्यम है उससे आप उससे आइसोलेट नहीं हो सकते। आज का जो नेक्स्ट बज है वो यही है डिजिटाइजेशन। तो होना तो जो आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं या निवेश है वो डिजिटाइजेशन के माध्यम से ही होंगे, चाहे वो आपके ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो, NEFT हो, RTGS हो, कोई भी हो जाए। मैं आपको बस यही सजेशन देना चाहूंगा इन्वेस्टर्स को कि ये जो एक मुद्दा आया है, ये सबसे पहले तो एक बहुत विचारजनक मुद्दा है, जहां पे ग्रो एज एन ऐप, क्योंकि ग्रो एक बहुत ऑथेंटिक ऐप है, उनको प्रॉपर क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि बेसिकली ऐसा हुआ कैसे कि ये जहां एक डमी फोलियो भी क्रिएट हो गया और आपके एप्स में आपको पैसा भी दिख रहा है कि वो ग्रो हो रहा है, लेकिन जब रिडीम करने की बारी आई तो पैसा रिडीम ही नहीं हो रहा था। मैं हर एक इन्वेस्टर को मैं यही सजेशन देना चाहूंगा, आप रेगुलरली अपने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पढ़ा करें। जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स है वो ग्रो या इन्वेस्टर नहीं जनरेट करता है, वो सीधे कैम्स और कार्वी से जनरेट होती है, जो एक इंडिविजुअल फंड हाउस की पूरी, एक इंडिविजुअल फंड हाउस में आपका कितना इन्वेस्टमेंट है वो सामने आ जाता है। तो इन्वेस्टर को स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए कि जहां वो अपना सिर्फ पैसा देख सके, आपके क्या नॉमिनीज है, नॉमिनीज प्रॉपरली अपडेटेड है या नहीं है, नॉमिनीज का कितना परसेंटेज शेयर होल्डिंग अपडेटेड है, आपका एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी की सारी ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में रखने के लिए मैं हर एक इन्वेस्टर को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप अपनी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट को बहुत रिलीजियसली पढ़िए। और जब आप अपने स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट को रिलीजियसली अगर आप पढ़ते तो आप ये रियलाइज कर पाते कि अगर ये कोई स्कैम हुआ है तो आपके स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स ही जनरेट नहीं हो पाते। जो जेंजीज होते हैं, जिनको हम कहते हैं, जो एक प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं कि क्या हमें एप्स के थ्रू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो ऐसा क्या करें सो दैट दोबारा ये प्रॉब्लम ना आए, तो मैं आपको एज अ वेल्थ मैनेजर, एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर सिर्फ यही सजेशन दूंगा कि आप प्लीज अपनी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स रेगुलरली पढ़े, उसको मॉनिटर करें, उसको इन्वेस्टिगेट करें, और हो सके तो आप अपने लैपटॉप में एक फोल्डर भी क्रिएट कर रहे जहां आप सारी अपनी स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट रखें, सो दैट आपके अंदर 100% क्लैरिफिकेशन आ जाए कि आपका पैसा सेफ है, सिक्योर्ड है, और जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है जहां पे आपका पैसा दिख रहा है वो उसी तरीके से ग्रो हो रहा है जहां स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में आपका पैसा जितना रिफ्लेक्ट हो रहा है।